हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। देखिए, हिंडाल्को में एक ट्रेड लगा के रखा हूँ और बंधन बैंक में भी एक ट्रेड लगा के मैं छोड़ दिया है। क्यों इस दोनों में ट्रेड लेके छोड़ के रखा है, एक तो वीडियो के एंड में बोल दूँगा। बने रहिए मेरे साथ पूरे वीडियो और स्किप करके मत देखिए, क्योंकि मैं कभी भी बोल दूंगा। मतलब हिंडाल्को का एक्टिवेशन हो गया हिंडाल्को में, तो देखिए क्यों हिंडाल्को में एक्टिवेशन मतलब ट्रेड लगाया और स्टॉप लॉस और टारगेट तो मैंने एक साथ लगा के छोड़ दिया था। और कल मैं वीडियो नहीं दे पाया क्योंकि अम्फान की वजह से इलेक्ट्रिसिटी का कुछ प्रॉब्लम हो गया था, इसीलिए वीडियो नहीं दे पाया, माफ़ी चाहता हूँ। और मैंने अपना मोबाइल से ट्रेड किया है तो रिकॉर्ड नहीं कर पाया, रिकॉर्ड कर पाता भी तब भी मैं अपलोड भी नहीं कर पाता। तो आज देखते हैं क्या होता है। अपना जो सिस्टम है वो सिस्टम मेंटेन किया है मैंने और मुझे श्योर शॉट तो लग रहा है, क्योंकि जो रूल्स मैं मेंटेन करता हूँ वो रूल्स अपना ट्रेडिंग में अप्लाई कर चुका हूँ। तो देखते हैं क्या होता है, आप लोग बने रहिए अंत तक। मैं बोल दूँगा कि इसने ट्रेड क्यों लगाया और स्टॉप लॉस टारगेट भी कैसे मैंने पुट किया है। तो देखते हैं बंधन बैंक में, नहीं बंधन बैंक में नहीं आ रहा है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, हिंडाल्को में तो एक्टिवेट हो गया है और वेट करेंगे हम। ठीक है दोस्तों, अभी थोड़ा लगभग थोड़ा प्रॉफिट में आया है, लगभग एंट्री प्राइस के करीब है। लेकिन जो मैं कहने चाहता हूँ कि जो लोग सिर्फ मतलब स्ट्रेटेजी देखते हैं और आप खुद को स्ट्रेटेजी लाइफ में टेस्ट करते हैं, उन लोगों का बात अलग है। लेकिन जो लोग मैं हैं, उन लोग ये जो स्ट्रेटेजी है, स्ट्रेटेजी अपना खुद देख के खुद टेस्ट करने से अपना पैसा भी जा सकता है। तो इसीलिए मैंने अलग सा स्ट्रेटेजी का वीडियो बनाना बंद कर दिया हूँ, क्योंकि मैं स्ट्रेटेजी भी बोलूँगा और लाइव में दिखाऊँगा भी। इसीलिए मैंने ये लाइव ट्रेड करता हूँ आप लोगों के लिए। तो ये लाइव ट्रेड करने में टाइम भी जाता है और मेहनत भी होता है। तो अगर अच्छा लगता है तो एक लाइक तो बनता है ना यार। हम आशा रखते हैं कि अगली बार मतलब इस वीडियो से जो भी देख रहे हैं, प्लीज़ आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब अपने दोस्तों को बोलिए कि ये देखिए, दिखाइए और सब्सक्राइब भी करवाइए, क्योंकि मैं जो मेहनत करता हूँ उसका रिजल्ट तो मैं आशा करता हूँ। मैं कुछ पैसा नहीं लेता हूँ, कुछ ट्रेनिंग के बारे में भी कुछ लिंक नहीं भेजता हूँ, ऐसा लिंक लो, ऐसा लिंक लो, पेड कोर्स है, ऐसा कुछ भी मैं नहीं करता। लेकिन सिर्फ क्या चाहता हूँ आप लोगों से, मेरा आशा क्या है, एक लाइक और सब्सक्राइब। अगर सीखने में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो कमेंट करिए, मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को जो कमेंट करते हैं उसका आंसर देने के लिए। लेकिन कुछ लोग हैं कि क्वांटिटी देखते हैं, प्लेटफॉर्म देखते हैं, ये देखने से आप लोगों को कुछ फ़ायदा नहीं है, मैं पहले भी बोल चुका हूँ। तो आशा करते हैं कि इस वीडियो से लाइक ज़्यादा मिलेगा और सब्सक्राइब भी अपने दोस्तों को करवाइएगा। तो मैं जो इसमें स्ट्रेटजी यूज़ किया हूँ वो तो मैं अंत में बताऊँगा, आप लोग अंत में बने रहिए और बीच बीच में मैं अपडेट दे के बोलता रहूँगा। हो सकता है कि सब ऑल टाइम स्ट्रेटजी काम नहीं करता, लेकिन होता है जो परसेंटेज मिलता है उस परसेंटेज में आप लोग महीने के एंड में प्रॉफिट में ही रहेंगे। तो देखिए ये धीरे धीरे ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है और मुझे लगता है कि ऊपर नहीं जा पाएगा। लेकिन ये पहला जो दिन है, मतलब काल का जो दिन था,
ये देखिए यहीं से ये सस्टेन किया और ऊपर चला गया, मतलब यहाँ पर इसका रेजिस्टेंस इस जो लेवल है, देखिए मैं दिखाता हूँ, ये जो लेवल है, ये लेवल इसके लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि इस लेवल में देखिए पहले तो इसने बहुत टाइम ये सस्टेन किया, ऊपर गया नीचे गया ऊपर गया नीचे गया, ये सब देखना पड़ता है दोस्तों, ये सब देखना पड़ता है ट्रेडिंग इंट्राडे करने के लिए। तो हम जो सिखाते हैं प्रैक्टिकल सिखाते हैं, लाइव सिखाते हैं, तो आशा रखते हैं कि आप लोग सीख पा रहे हैं। देखिए ये जो लेवल है इसमें लाइन देखिए, ये जो लाइन है अगर इस लाइन को ये ब्रेक कर दिया तो स्टॉप लॉस हिट करेगा, अगर इस लाइन को अगर ये तोड़ दिया तो टारगेट देगा, मतलब देखिए ये जो एक मतलब एक जगह है और ये दूसरा ये जगह है, इस जगह दोनों जगह में ये रिट्रेस करने की कोशिश किया लेकिन ऊपर चला गया, तो हो सकता है कि स्टॉप लॉस करते हैं। मेरा स्टॉप लॉस छोटा ही है, कोई बड़ा नहीं है, क्योंकि मैं जो दिखाता हूँ वो नए ट्रेडर्स लोगों के लिए है, नए ट्रेडर्स लोगों को ज़्यादा रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग देखते रहिए मेरा चैनल और लाइव देखते रहिए, लाइव एग्जाम्पल भी आप लोगों को मिल जाएगा। तो देखिए ये क्या होता है, स्टॉप लॉस काटता है क्या, अगर ये लाइन तोड़ दिया तो स्टॉप लॉस काट देगा, और अगर ये लाइन तोड़ दिया तो मतलब टारगेट दे देगा। तो देखते हैं क्या होता है, मिलते हैं थोड़ी देर में अपडेट देंगे। दोस्तों ये तोड़ दिया है इस लाइन को, तो मुझे लगता है कि स्टॉप लॉस काट देगा, लेकिन मैं बना रहूँगा इसमें, क्योंकि क्या होता है, मैं तो अपना जो रूल्स है उस रूल्स के हिसाब से मैंने लिया है, और रूल्स तो मैं हाथ में बोल ही दूंगा। हो सकता है कि इस टाइम ये काट सकता है, लेकिन उसको नीचे आना ही पड़ेगा। मार्केट थोड़ा पॉजिटिव आ रहा है इसीलिए ऊपर चला जा रहा है, तो मार्केट अगर थोड़ा मतलब निफ्टी अगर थोड़ा घूम जाए तो, और बंधन बैंक में देखिए अभी तक मतलब एक्टिव नहीं हुआ, तो ये हो सकता है ऊपर जा सकता है, लेकिन हिंदत्व को नीचे आना पड़ा, वो इस टाइम हो सकता है काटते, नहीं तो दूसरे टाइम पर वो घूम के नीचे आएगा, लेकिन मेरा स्टॉप लॉस सही जगह पर है और टारगेट भी सही जगह पर है, और कहीं नहीं ले जाऊँगा इसको, और निफ्टी को देखिए निफ्टी ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए ये सब स्टॉक ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन निफ्टी थोड़ा सा एडवांस कर दे तो हमारा प्रॉफिट खुद ब खुद निकल आएगा। देखिए ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है लेकिन नहीं जा पा रहा है, मैं अपना जो रूल्स है रूल्स के मुताबिक काम किया है, तो मेरा भूल कहीं पर है नहीं, आज कहीं पर भूल नहीं है, कोई हड़बड़ी नहीं है कि ठीक ठाक जगह पर मैंने अपना स्टॉप लॉस लगाया और एंट्री भी ठीक ठाक जगह पर हुआ और टारगेट भी ठीक ठाक जगह पर हुआ, तो बने रहिए मेरे साथ देखते हैं क्या होता है। दोस्तों बंधन बैंक में बड़ा ट्रिगर हो गया है और लगभग टारगेट के आसपास आ गया था, लेकिन मैंने देखा नहीं, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, मुझे तो टारगेट यहाँ पर ही देना है, और हैंडल को मैं देखिए ये लगता है साइड लेस बन गया है, स्टॉप लॉस भी नहीं हिट हुआ और टारगेट भी नहीं हिट हुआ, इसी जो चैनल है इस चैनल में ये फंस गया है, तो देखते हैं क्या होता है, बंधन बैंक में शायद कुछ मिल गया, तो लगभग आ गया है, के पास डिलीट हुई था, तो देखते हैं क्या, ए वन यहाँ से लगभग 2 पॉइंट का आसपास दूर से ये बाउंस ले लिया है, पता नहीं क्या होगा, लेकिन जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि
इंट्राडे में जो लगभग आसपास अगर टारगेट आ जाए तो निकल जाना बेहतर होता है, लेकिन मैंने तो टाइम नहीं मिला, मुझे नहीं देखा हूँ, तो अब तो कुछ नहीं कर सकता। देखते हैं, अब तो वेट करना ही पड़ेगा, तो वेट करेंगे, बने रहिए अब मेरे साथ, देखते हैं क्या आता है। दोस्तों लगभग आ ही गया है, बस थोड़ा सा इंतजार है, थोड़ा सा मतलब देखिए आप लोग 1 रुपये के आसपास अभी थोड़ा बढ़ गया, बस देखते हैं क्या होता है, मिलता है कि नहीं। अगर यहाँ पर भी आए तो मैं कर दूँगा, क्योंकि इंटरडे में कहाँ पर आ सकता है और कहाँ से घूम जा सकते फिर किसी को पता नहीं चलेगा, इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि ये काट दूँगा। और इंडलको में देखिए, इंडलको में वही जगह पर है, घूम रहा है मतलब साइड वेस्ट हो रहा है, लेकिन मैं बना रहूँगा यहाँ पर। और बंधन में भी लगभग वही गया है, तो देखते हैं क्या होता है। दोस्तों अब मुझे लगता है अब काट देना ज़्यादा होगा, क्योंकि बहुत टाइम वेस्ट हो गया, और इसमें हिंदलगो में क्या हो रहा है, हिंदलगो में भी देखिए ये जो चैनल में फंस गया था ये तोड़ दिया, और दूसरा एक चैनल है इसमें, अगर ये तोड़ दिया तो नीचे आ जाएगा। तो लगभग देख रहे हैं आप कैसे ट्रेड होता है, कैसे करना चाहिए, तो आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए आ रहा है लोग कि ट्रेड कैसा होना चाहिए। तो इसमें थोड़ा सा बाकी है, लगभग 1.2 पॉइंट का लगभग बाकी है, तो ऐसी हालत में पार्ट देना तो भी ठीक चलेगा, क्योंकि तो यहाँ से बाउंस भी हो सकता है, तो हम पार्ट देते हैं। चलिए पार्ट दिया, और आप लोग देखिएगा कि ये थोड़ा नीचे आ सकता है, और लगभग 7,000 का प्रॉफिट है, और ये देखिए इसमें भी क्लोज कर देते हैं, क्योंकि वीडियो भी लंबा हो रहा है। और मैं बोल दूंगा कि देखिए बंधन बैंक में पता नहीं मेरे को अगर कट गया, तो देखिए बंधन बैंक में एक्चुअली बंधन बैंक में ट्रेड लेने का वजह है कि आज प्री ओपन में बंधन बैंक सबसे नीचे आया, और बैंक सेक्टर भी नीचे था, और एडवांस और डिक्लाइन जो है वो भी नेगेटिव था। तो मैंने फर्स्ट कैंडल टूटते ही मैंने इसमें सेल लगा के छोड़ दिया था, और हिंदलको में भी वही वजह है कि वो भी नीचे में आया था प्री ओपन में, इसीलिए मैंने इसको ट्रेड लिया। तो आशा करते हैं आप लोग समझ में आ रहा है, अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो प्लीज़ हमें कमेंट करिए, मैं कोशिश करूँगा कि उसका आंसर देने का। तब तक के लिए आप छोड़िए मुझे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, धन्यवाद।